हाय, मेरा नाम ऋषभ पारिक है और आप देख रहे हैं टेक्नो व्लॉगिंग। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एप्पल के नए लैपटॉप मैकबुक प्रो 2021 जो कि रिलीज होने वाला है अक्टूबर में। तो इसमें क्या खास होने वाला है और क्यों है ये मोस्ट हाइप्ड लैपटॉप ऑफ द ईयर। आपको ऑलरेडी पता होगा कि 2020 में एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया अपना खुद का प्रोसेसर M1 चिप। पहले जो एप्पल के लैपटॉप थे यानी मैकबुक्स थे उनमें यूज किया जाता था इंटेल का प्रोसेसर i5 i3 ऐसे प्रोसेसर, यू नो। लेकिन पिछले साल जैसे ही M1 चिप आया तो जो लैपटॉप की दुनिया थी, पीसी की दुनिया थी, वो तक खिल गई, क्योंकि जिस प्राइस रेंज में जो परफॉर्मेंस M1 चिप डिलीवर कर रहे थे, मैकबुक्स डिलीवर कर रहे थे, वो बहुत ही ऑसम था। परफॉर्मेंस के मामले में बहुत ज्यादा दमदार, बैटरी एफिशिएंसी के मामले में बहुत ज्यादा दमदार। तो एप्पल के जो लैपटॉप्स थे बहुत ज्यादा ऑसम थे, लेकिन इनमें कुछ कमी थी और वो थी एप्पल ने सारे पोर्ट्स ही गायब कर दिए। उनको पता था कि M1 चिप दूसरे कहीं भी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है ही नहीं, सिर्फ एप्पल के प्रोडक्ट्स में अवेलेबल है, तो जो हम चाहे वो कर सकते हैं। और इसीलिए सिर्फ टाइप सी पोर्ट को छोड़ा गया, बाकी सब को नदारद रफा दफा कर दिया गया मैकबुक से। लेकिन और उस वजह से जो कस्टमर्स थे उनको 20-30 हजार रुपए लगाकर अडेप्टर्स, डोंगल्स, ये सब एसेसरीज खरीदनी पड़ रही थी दूसरी चीजों को यूज करने के लिए। एप्पल के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ कंपेटेबल होने वाली एसेसरीज आपको पता है ये कितनी महंगी आते हैं। तो उस वजह से सेल्स इतनी ज्यादा नहीं हो पाई जितनी एप्पल ने सोचा था कि हो जाएगी, खासतौर पर मैकबुक प्रोज की। एप्पल ने इस साल बहुत मेजर चेंजेस किए हैं और काफी ऑसम चेंजेस किए हैं। मैं बताऊं आपको, शायद इस साल ऐसा लग रहा है जितनी भी शिकायतें थी एप्पल को लेकर, लोगों को उनके लैपटॉप्स को लेकर, वो सारी सुन लिए हैं एप्पल ने। तो क्या क्या मेजर चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं वो शुरू करते हैं, एक एक वन बाय वन आपको जितने भी चेंजेस हैं सारे बताता हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिजाइन को लेके। तो डिजाइन हो सकता है पिछले साल के मुकाबले इस साल आपको ज्यादा मोटा देखने को मिले, क्योंकि सारे पोर्ट्स को वापस लाया जा रहा है। HDMI कैमरा का जो SD कार्ड स्लोट है वो, USB टाइप सी, ये पोर्ट्स की तो कंफर्मेशन है ही है। ये चेंज आपको अच्छा लगा तो दूसरा चेंज शायद आपको अच्छा लगे ना लगे इसकी गारंटी नहीं है, और वो ये कि जो एप्पल का आइकॉनिक टच बार है उसे डिच किया जा रहा है इस साल, ताकि और फिजिकल कीज के लिए स्पेस बच सके। डिजाइन के साथ साथ एक मेजर चेंज और आपको देखने को मिलेगा जो कि है उसकी डिस्प्ले का। जी हाँ, इस साल मिनी LED डिस्प्लेज यूज की जाएंगी, वो आपको और ज्यादा विविड कलर्स, और ज्यादा डार्क ब्लैक्स, और ज्यादा मतलब अच्छी क्वालिटी के कलर्स वगैरह, पिक्चर्स वगैरह डिलीवर करेगी। दूसरी जो चीज है वो कंफर्म नहीं है लेकिन सुनने में बहुत आ रहा है, एप्पल यूज कर सकता है 120Hz का प्रोमोशन डिस्प्ले, लेकिन ये कंफर्म नहीं है क्योंकि ये इतने बड़े सोर्सेज ने नहीं कहा है। तो ये मेजर चेंज होगा बॉस, और ये काफी काफी चीजें बदल देगा, मतलब कि जो मॉनिटर्स हैं गेमिंग वाले 120Hz के, उन तक को कंपटीशन दे देगा, मतलब पीसी लेवल, तो मतलब पीसी के लेवल में आके खड़ा हो जाएगा। मॉनिटर्स भी आपको बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट जो मेजर चेंज है वो परफॉर्मेंस के मामले में। इस साल M1X चिप को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, पिछले साल M1 को यूज किया गया था, इस साल M1X या फिर M2, नाम के ऊपर हम नहीं लड़ाई करेंगे, लेकिन अपग्रेडेड वर्जन होगा ये फॉर श्योर है, और M1 से भी बहुत ज्यादा पावरफुल होगा M1X या M2, और बैटरी एफिशिएंसी के मामले में भी बहुत ज्यादा दमदार आपको इसकी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। साथ ही में परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए यहाँ 2-3 चीजें और की गई हैं, जैसे कि आपको इस साल मैकबुक प्रो में 64GB का वेरिएंट देखने को मिल सकता है। पिछले साल तक ये सिर्फ 16GB तक सीमित था जो मैक्स आउट वर्जन था, मैं इस साल 64GB। दूसरा, GPU में भी आपको 16GB और 32GB के ऑप्शन आपको अवेलेबल करवाए जा सकते हैं। ये जो मेजर चेंजेस हैं, मेजर ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, वो नेक्स्ट लेवल की परफॉर्मेंस, और जो आपके क्रिएटर्स हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं, जो एनिमेशन करते हैं या फोटोशॉप वगैरह करते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा लैपटॉप होने वाला है। और उनके लिए अच्छा लैपटॉप है मतलब उसके बाद में ही आते हैं बाकी काम, गेमिंग वगैरह या जितने भी काम आते हैं उनके नीचे ही आते हैं, मेन हैवी वर्क ये हैं। तो ये सब अगर आपका मैकबुक संभाल सकता है तो सब कुछ आपका मैकबुक संभाल सकता है। एक और चेंज जो कि परफॉर्मेंस से ही रिलेटेड है, इस साल आपको 2 चिप के ऑप्शंस अवेलेबल करवाए जा सकते हैं, जिनमें आप शायद ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो आपका GPU और CPU है वो सिस्टम ऑन चिप होना चाहिए या फिर इंटीग्रेटेड अलग से आपको GPU चाहिए, शायद ऐसा कुछ है। मुझे क्लियरली इस चीज के बारे में नहीं पता, लेकिन
कानों में ऐसा सुनने को आ रहा है। अब इतनी ज्यादा परफॉर्मेंस होगी तो हीट मैनेजमेंट भी तो चाहिए। पिछले साल क्या किया था एप्पल ने, कमाल का काम किया था कि हीट पाइप थी उसको 35% तक लार्ज कर दिया गया था, जिसकी वजह से काफी कमाल की हीट मैनेजमेंट आपको देखने को मिली। तो इस साल भी शायद सेम हीट मैनेजमेंट रखी जाए, या फिर ऑप्शन जैसे दो चिप वाले जो लैपटॉप मैंने आपको बताए ड्यूल ऑप्शंस, उनमें अलग अलग ऐसा कुछ किया जाए। लेकिन क्योंकि प्राइस इस साल शायद और ज्यादा अग्रेसिव रख सकता है एप्पल, इस वजह से मुझे ज्यादा चांस लग रहे हैं कि पिछले साल के ही मैकेनिज्म को यूज किया जाएगा यहाँ पर। ये तो मेजर मेजर फीचर्स की हमने बात कर ली कि डिस्प्ले में आपको मेजर चेंज देखने को मिल सकता है, पोर्ट्स आपको मिल सकते हैं, जो टच बार था वो डिच किया जा सकता है। तो ऐसे ऐसे कुछ अच्छे चेंजेस जो है एक परफेक्ट लैपटॉप की ओर कदम रखते हैं। और इस परफेक्ट लैपटॉप की प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं। पिछले साल का जो मैकबुक प्रो का बेस वेरिएंट था वो 2 लाख रुपए के आसपास था, ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए ही था। तो इस साल मुझे नहीं लगता कि एप्पल उस चीज को चेंज करने वाला है, और शायद इस साल भी यानी 2021 में भी आपको 2 लाख रुपए के आसपास ही बेस वेरिएंट मैकबुक प्रो का देखने को मिले। लॉन्च डेट के बारे में मैं अक्टूबर आपको बता चुका हूं, लेकिन थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। एप्पल का सितंबर में इवेंट होगा जिसमें वो आईफोन 13 को लॉन्च करेंगे। अब उसी इवेंट में साथ ही में लैपटॉप को नहीं लॉन्च करेगा एप्पल, शायद अक्टूबर में या नवंबर में, मोस्ट लाइकली अक्टूबर के लास्ट वीक में आपको मैकबुक प्रो जो है उसका लॉन्च इवेंट देखने को मिले, और ये वर्चुअल इवेंट ही होने वाले हैं। दोस्तों जितनी इंफॉर्मेशन अभी तक इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है मैकबुक प्रो को लेकर, वो सारी मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाई है, और काफी मेहनत लगी है दोस्तों। मैं 2 साल से लगातार वीडियोस पोस्ट कर रहा हूं लेकिन अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो प्लीज आप एक लाइक कर दें और एक सब्सक्राइब का बटन कर देंगे, दबा देंगे ना, तो मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। बस ये वीडियो यहीं खत्म होती है, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।